हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा जी भाई बिहारी फिश करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये जी रोहू फिश है, ठीक है जी। ये करीब मैं 2.5 किलो लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। इसे हमको मैरिनेट करने का है। ये पड़ा जी 1 चम्मच हल्दी यानी हल्दी और नमक, भाई स्वाद अनुसार। बस यही 2 चीज़ें जिसे हमको मैरिनेट करने का है। तो कर लो जी इसे प्रॉपरली मैरिनेट। तो लो दोस्तों, भाई मैरिनेशन हो गई जी हल्दी और नमक से। अब केवल इसे 20 मिनट के लिए साइड कर लो। तो दोस्तों नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, तेल में लगा दिया जी, मस्टर्ड तेल है। अब इन मछलियों को हमको फ्राई करने का है। डाल दो, इज्जत से डालो एक एक करके। लो भाई, अब कड़छी कुड़छी ना मारना इसे। अब 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे एक साइड, और 5 मिनट तक पट्टी साइड भाई फ्राई कर लो हाई फ्लेम पे। तो दोस्तों भाई 5-6 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए एक साइड पे, ठीक है। अगर ये ब्राउन हो गया होगा तो उसको पलटा देना। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ब्राउन हो चुका हुआ है। अब इन्हें पलटा लो, इसे ही पलटा लो। अब इस साइड भी आप 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करोगे और ऐसा ही ब्राउन करोगे। बस दोस्तों 5-6 मिनट हो गए जी यहाँ से फ्राई होते हुए। देखो चेक करो। ओ यस भाई, ये भी ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इनको बाहर निकाल करता हूँ एक एक करके। अब ऐसे ही सभी आप फ्राई करते चलो, ठीक है जी। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो लो दोस्तों भाई मछलियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब करते हैं जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो दोस्तों ये कुछ मसाला है जिसका हमको पेस्ट बनाने का है। भाई ये जो सबसे पहले देख रहे हो ना, ये है जी सरसों का बीज यानी कि मस्टर्ड सीड्स करीब 3 टेबल स्पून। ये जी लहसुन करीब 15-20 लहसुन है, ठीक है, उनकी कलियाँ। ये अदरक है जी, ठीक है जी। ये 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। ये 2 चम्मच टीस्पून भाई जीरा, साबुत जीरा। भाई ये जी लाल मिर्चे, ड्राई लाल मिर्चे, ठीक है जी, करीब 6-7 पीस होंगे ये। और ये जी काली मिर्च, ठीक है जी। इसका हमको पेस्ट बनाने का, मैं इसका पेस्ट बनाता हूँ। तो जी इसमें थोड़ा पानी मिला लेते हैं। तो लो दोस्तों भाई पेस्ट बन गया, करते हैं नेक्स्ट कार्रवाई। तो दोस्तों नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से है जी, ये वो तेल है जिसमें मैंने मछलियाँ फ्राई की थी। कुछ तेल निकाल दिया, कुछ बचा लिया, ठीक है। तो जो कि गर्म हो रहा है अभी, ये करीब कितनी होगा, 15 टेबल स्पून होगा। तो जी इसमें हम डालेंगे करीब 1 चम्मच भाई मेथी के बीज। डाल लो। तो दोस्तों चटकारे आना स्टार्ट हो गए जी इन बीजों से, ठीक है जी। अब डालेंगे जी इसमें हम 1 चम्मच भाई कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी। तो जी मिला मिलू लो, ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो करना ताकि मसाला जो है जल ना जाए, ठीक है। तो इसे करीब आप 30 सेकंड के लिए भून लीजिए इन मसालों को, ठीक है। तो जी मसाला भून चुका है, ठीक है जी। अब मैं डाल रहा हूँ जी वो पेस्ट जो हमने बनाया था सारे का सारा, और जो चिपका चुपका है वो भी हम पानी मिला के डाल देंगे। तो जो बचा कुचा है वो भी पानी पुनी मिला के डाल दिया जी। अब इस मसाले को आप हाई फ्लेम पे भाई 5 मिनट तक पकाते रहिए और कड़छी चलाते रहिए। तो दोस्तों भाई करीब 5-6 मिनट हो गए इस मसाले को पकते हुए, तेल ऊपर आ चुका है, ठीक है जी। अब डालेंगे इसमें हम चॉप करके टमाटर, करीब 4 टमाटर चॉप करके डाल दीजिए सारे सारा। तो जी इसे मिला लो चंगी तरह से। तो जी टमाटर मिलाते इसमें डालेंगे नमक, भाई स्वाद अनुसार, ध्यान रहे मछली में भी नमक मिलाया हुआ है, ठीक है, ध्यान रहे। जी मिला लो। तो दोस्तों भाई टमाटरों में उबाल आ चुकी है, ठीक है जी। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर रहा हूँ और करीब 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पका लूँगा। तो दोस्तों 15 मिनट हो गए। क्या लग रहा है, देखो तेल ऊपर कितना गया है, यानी पक गया जी मसाला बनाया। देखो जी। तो जी अब करना क्या है, अब करो ये कि जो ये मसाला ना इसका एक बार नमक चेक कर लेते हैं कि नमक कितना, क्योंकि बाद में हम मछली डाल के इसको हिला डुला नहीं सकते, ध्यान रहे चीज़ का। तो जी नमक मैंने चेक किया, थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा डालो। तो जी मिला मिलू वो चंगी तरह से। तो जी अब करना क्या, अब करना कुछ नहीं है, अब जो मछलियाँ फ्राई की हैं वो रख दो टिका टिका के इज्जत से। तो जी मछलियाँ मैंने टिका दी हैं, अब इसे इज्जत से मिक्सअप कर लो। हाँ अभी मिला मिलू लो चंगी तरह से इसको। तो जी मछलियों को मैंने लपेट दिया जी मसालों के बीच, ठीक है जी, प्रॉपरली। अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है, अब डालेंगे जिसमें हम पानी। भाई पानी अपने हिसाब से डालना, मैं डाल रहा हूँ जब करीब 2.5 गिलास, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से डालना। अब हम इसको ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, नहीं तो टूट टाट जाएंगी, ठीक है। अब हम इसके एक उबाल का वेट करेंगे इज्जत से। तो दोस्तों हल्की हल्की उबाल आ रही है, अब करना क्या, अब धीरे धीरे से ना इसे मिक्सअप कर लो धीरे धीरे से, हाँ, ताकि टूट टाट ना जाए, धीरे धीरे से, ज़्यादा नहीं करना। तो दोस्तों उबाल आ चुकी है, मैं गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ और इसे अब 1/2 घंटे के लिए हम लो फ्लेम पे पकाते हैं ढक्कन बंद करके। तो दोस्तों पूरे 1/2 घंटा हो गया, भाई वाह भाई वाह भाई, ठीक है जी। अब करना क्या, अब करना कुछ नहीं है,
ठीक है, ये बनके तैयार है, ग्रेवी भी बड़ी फर्स्ट क्लास दिख रही है मेरे को। मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, मैं गैस का फ्लेम बंद कर रहा हूँ। अब मैं इसको आधा घंटा रेस्ट देता हूँ और आधे घंटे के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे। तो जी लो दोस्तों, भाई बनके तैयार हो गया जी अपना भाई बिहारी फिश करी। भाई देखो यार, भाई देखो कितनी खूबसूरत दिख रही है ना भाई ग्रेवी, देखो हाँ क्या रंग चेंज कर दिया इसने अचानक से अपना। भाई आधा घंटा रेस्ट दिया ताकि कहीं टूट टाट ना जाए, क्यों गर्मा गर्म अगर इसको आप छेड़ोगे तो मछलियाँ टूट टाट सकती हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, इत्मीनान से इसको बर्तन में शिफ्ट किया दूसरे वाले में, इसमें तो बाकियों को स्टॉक में रख लिया। तो भाई देखो जी ये स्थिति है जी इसकी ग्रेवी की, देखो हाँ ग्रेवी मैंने एक्स्ट्रा रखी, क्यों मैं खानी है। भाई देखो पीस को, पीस मछली का पीस को, कितना खूबसूरत है। और भाई साथ में क्या लिया जी, साथ में लिया जी ये खाली कटोरा। भाई कटोरा, भाई कटोरा बेटा बाप सभी गोरा, इधर अंदर आ जा। तो इसमें हम लेंगे जी ग्रेवी, ठीक है जी, क्योंकि इसको उठाना पॉसिबल नहीं है। आ भाई इज्जत से, इज्जत से आ भाई। भाई देखो ये इसकी स्थिति है, ये देख रहे हो आप, ये मस्टर्ड सीड्स हैं, ये तो इसका यूएसपी है, यूएसपी मस्टर्ड सीड्स। अब देखते टेस्ट कैसा है। आ भाई थोड़ा और बनता है, बनता है। ओए होए, ओ देखो ग्रेवी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ग्रेवी अच्छी होगी तभी अपना मटेरियल भी अच्छा ही बनेगा। भाई ग्रेवी का टेस्ट कैसा आ रहा है, एकदम खट्टा खट्टा। और खट्टा क्यों आ रहा है, भाई टमाटरों का स्वाद है। हाँ बहुत ही खट्टा, क्यों जो टमाटर है ना, ये देसी टमाटर है पत्ती डाब के, हाँ टमाटर मोड़ के, जिनको मालूम होगा कि टमाटर मोड़ काम पर है भाई, पत्ती डाब के पास वहाँ के देसी टमाटर हैं, बहुत खट्टे रहते हैं, बहुत खट्टे रहते हैं। मस्टर्ड सीड्स क्या फ्लेवर दे रहे हैं यार, वही सरसों के बीज और साथ में थोड़ा तीखा तीखापन अच्छा है, मतलब हावी नहीं है, अच्छा तीखापन है। मैं लिखे देखे ना, मुझे रोहू फिश का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में बड़ा प्यारा आया हुआ है यार, बड़ा खूबसूरत आया हुआ है। और सबसे बड़ा जो रोल अदा किया हुआ है इसमें वो टमाटरों ने किया हुआ है, जो मैं फील कर रहा हूँ, मतलब उनका खट्टापन ज़्यादा आया हुआ है। और जो ये सरसों का बीज, भाई इसका फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त और जाबर किस्म का आया हुआ है। थोड़ा मैं और ग्रेवी टेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और, बस ज़्यादा नहीं। भाई वाकई में यार ग्रेवी जो है भाई फुल ऑफ फ्लेवर है, सरसों के बीज ने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया हुआ है, बहुत टेस्टी है, टमाटर ने बड़ा खट्टा खट्टा बन दिया हुआ है। ये सारी स्टोरी है जी ग्रेवी की। अब बनता पीस, पीस कैसा है। अब जो पीस है वो इज्जत से हम उठाते हैं अपने प्लेट में और इसे हम लैंड करते हैं जी इज्जत से। हाँ भाई अब मैं देखूंगा ये जो ग्रेवी का जो फ्लेवर है इस मच्छी के साथ कैसा आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ओए होए 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 देखो यार, हाँ इसके अंदर भी ग्रेवी डालता हूँ, फ्लेवर लेंगे फुल ऑफ ग्रेवी का। भाई बस कंडा कुंडा ना चुप जाए कहीं, उसका मुझे डर है। भाई इसे कोई लगा लगू के नहीं खाएंगे, इसको खाएंगे ऐसे ही लगा लगा के खाएंगे यार। पहला कंडा भाई, किसने बनाई ये रेसिपी भाई मुझे बताओ, बिहार में किसकी रेसिपी है, किसने इसको इजाद किया, किसने इसको इन्वेंट किया, क्या कसा फ्लेवर है यार। और रोहू फिश खुद में कितनी मीठी है, वो जो ग्रेवी मिक्सअप हो गई, जो सरसों का एक फ्लेवर आ गया इसके अंदर विद मिक्स होके, क्या टेस्ट दिया आप, देखो पसीने छूट रहे हैं यार। हाँ भाई अभी से कह रहा हूँ मेरे सब बिहारी भाइयों को, मेरी बहनों को, माओं को, सबको प्यार, ढेर सारा प्यार, बहुत ही प्यारा फ्लेवर है यार। थोड़ा और बनता है, थोड़ा और बनता है, कंडा कंडा बचा बचा के चलता है। हाँ भाई रोहू फिश में कांटे बहुत होते हैं लेकिन मिठास भरपूर भरपूर। भाई देखो हो क्या रहा है, रोहू फिश की मिठास, हाँ टमाटरों की खटास और सरसों के बीजों का फ्लेवर ताबड़तोड़ पारी खेल रहा है। भाई कंडे अड़जा साइड थे तो अड़जा साइड थे।
स्वाद भाई, स्वाद का पैकेज है भाई, जबरदस्त जबरदस्त भाई ये कोरोना भाग जाए ना यहाँ से, सच में कह रहा हूँ। सबसे पहले बिहार आऊँगा, बिहार में मैं वो लिट्टी चोखा खाऊँगा, हाँ, और ये फिश खाऊँगा वहाँ पर खेतों में, बड़ा मज़ा आएगा यार। भाई स्वाद आ। तो भाई ये सारी स्टोरी थी भाई इस मछली की, बड़ा स्वाद आया। हाँ अब देखते हैं कि किंग के साथ क्या दबाई फिरने वाली, क्यों भाई बनी किंग के लिए ये तो भाई लो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है आज, तो किंग बहुत खुश है, देखो कितना खुश है, देखो देखो 1 2 3 4 कितना खिला हुआ है। आ, 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 ओ भाई कोई पीस निकालते हैं कोई इज्जत से। आ भाई तू ओ गिर गया, तो आज कुछ चक्कर नहीं है, मस्त मस्त ग्रेविया। मैंने एक गलती कर दी, मुझे ना कुछ पीसेस निकाल के ना उसमें कोल्ड फ्लेवर देना चाहिए था यार, जैसे मैं करता रहता हूँ, मैं देखता कि कोल्ड फ्लेवर से कैसा फ्लेवर आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि देखो ट्रेडिशनली बनता है चूल्हे पे है ना यार ये, हाँ है ना, स्वाद आता है उस पर यार। चलो तो कोई नेक्स्ट टाइम भी करेंगे करेंगे, बहुत स्वाद आने वाला है, गारंटेड है, गारंटेड हाँ गारंटेड है। स्वाद तो आया पर समझने के लिए सेकंड बाइट बनती है। भाई देखो क्या हुआ, जब किंग के साथ ही मिल गया ना तो हुआ क्या कि खटास कम हो गई, टमाटरों की खटास है ना वो कम हो गई। आपको पता ही जो किंग के साथ जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती है, खटास कम हो गई, तीखापन थोड़ा बढ़ गया, और मस्टर्ड सीड का फ्लेवर धमाका कर गया, कमाका कमाका नहीं धमाका भाई क्या क्या मुंह से निकल रहा है और बताता हूँ क्योंकि अब पीस ऐड करना पड़ेगा, पीस बिना कोई कंडे कुंडे के। ये होता है लेयर, ये लेयर स्किन, ये बड़ी फ्लेवर वाली होती है यार, बहुत टेस्टी होती है, कभी आप ट्राई करना। भाई वो कंडा तो नहीं है, वो कंडा है, वही कंडा नहीं कोई, कंडा है वही भाई। यही मुसीबत है इसमें कि कहीं कंडा कुंडा कहीं फसक फुस गया तो वाट लग जाएगी भाई। ओए धमाका, ओए धमाका, तो किसका वो टेस्ट का, ये कितना प्यारा फ्लेवर आया जब मैंने रोहू मच्छी को किंग के साथ लाया। भाई मैं दोबारा कह रहा हूँ मेरे बिहारी भाइयों बहनों को ढेर सारा प्यार, भाई क्या रेसिपी है यार, किसने बनाई है, कितना स्वाद है यार। भाई अब भाई ने क्या प्लान किया है, बल्कि आपके बड़े भाई ने कि अब केसेस थोड़ा कम आना स्टार्ट हो चुके हैं, और जो दुकानें हैं वो भी खुला स्टार्ट हो गई हैं, बट अभी भी भाई वहाँ पर जाके खाना अभी शायद अलाउड नहीं है, या बड़े सारे उन्होंने कुछ नियम कानून रखे हुए हैं, तो अब हम बाहर का खाना घर पे आकर रिव्यू करेंगे यार, ठीक है, जो चीज़ आ सकती है वो मंगवा लिया करेंगे, जो चीज़ नहीं आती होगी खुद आके लेके आया करेंगे, है सही है ना। तो दोस्तों भाई ये था बिहारी फिश रेसिपी, हाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी थी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा स्वाद आया, अभी ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।